Good afternoon, students. My today's topic is adaptive devices and its application for different disabilities. जैसे कि मैंने पहले ही आपको अडेप्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बता दिया है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बता दिया है. तो आज जनरल सा हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अडेप्टिव डिवाइसेस होते क्या हैं और उसकी फिर डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के ऊपर कैसे एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. अडेप्टिव डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू कम्प्लीटिंग एक्टिविटीज़ फॉर डेली लिविंग, फॉर एग्जाम्पल बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग एंड फीडिंग इट्स एक्सेट्रा. कि अडेप्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो एक डिसेबल बच्चे को हेल्प करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में, जैसे कि नहाने में, कपड़े पहनने में, खाना खाने में आदि. इस तरह जो अडेप्टिव डिवाइसेस हैं वो एक बच्चे के रोज़ के कामों में, डेली के कामों में उसे हेल्प करते हैं, उसे असिस्ट करते हैं. कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है, अडेप्टिव डिवाइसेस आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ हेल्पिंग इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ विच सपोर्ट द डिसेबल चिल्ड्रन मेकिंग देयर एक्टिविटीज़ ईजी एंड कन्वीनियंट टू रिमूव बैरियर्स इन एनवायरमेंट. कि अडेप्टिव डिवाइसेस वो इक्विपमेंट है, वो टूल्स हैं जो एक विद्यार्थी, एक बच्चे को, एक डिसेबल स्टूडेंट को, चाइल्ड को जो अपनी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं और ज़्यादा ही आसान और आरामदायक बनाते हैं और सारी रुकावटों को दूर करते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अडेप्टिव डिवाइसेस हैं वो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं. तो सबसे पहले है अडेप्टिव डिवाइसेस फॉर फिज़िकल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. इसमें सबसे पहले आ रहा है एडजस्टेबल फर्नीचर. ये वो फर्नीचर होते हैं जो एक डिसेबल चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जा सकते हैं. ये मान लो कोई चेयर है या कोई टेबल है, कोई डेस्क है, वो ऐसे तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है कि जो बच्चे की हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसे कम ज़्यादा किया जा सके, उसे घटाया बढ़ाया जा सके. उसके बाद दूसरा है मैनुअल एंड पावर्ड व्हील चेयर्स. ये वो व्हील चेयर्स हैं जिसमें स्टूडेंट बैठ के या तो उसे अपने हाथों से खुद ही चला सकता है या फिर वो पावर्ड मतलब वो किसी इलेक्ट्रिसिटी या पावर से चलती हैं जो सिर्फ बटन को दबाने से ही टर्न हो जाती हैं और ऊपर नीचे एडजस्ट की जा सकती हैं. उसके बाद तीसरा पॉइंट है रिमूविंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स. स्ट्रक्चरल बैरियर्स में हम कह सकते हैं कि जब विद्यार्थी कहीं स्कूल में एडमिट हुआ है या घर पे ही रह रहा है तो जो स्ट्रक्चरल, जो वहाँ की बनावट में जो रुकावटें हैं जो एक विद्यार्थी के लिए परेशानियों का काम कर रही हैं, उनको ठीक करना, उनको विद्यार्थी के हिसाब से चेंज करना. जैसे कि आपने कहीं स्कूलों में भी देखा होगा कहीं पर रैंप बनी होती है तो जो रैंप बनाई गई है वो भी एक स्ट्रक्चरल बैरियर थी जो वहाँ पर चेंज करके सीढ़ियों को रैंप का रूप दे दिया जाता है. उसके बाद है विद्यार्थियों स्टैंडिंग फ्रेम्स. ये एक तरीके का ढांचा है जो बच्चे खड़े हो नहीं सकते, उनको खड़े होने के लिए सपोर्ट, सहारे की जरूरत पड़ती है, ये उनके लिए होता है. ये फ्रेम उनको सीधा खड़ा होने में उनकी हेल्प करता है ताकि वो आराम से खड़े हो सकें और चल सकें. उसके बाद है वॉकिंग स्टिक. वॉकिंग स्टिक तो आप सबने देखी होगी, जो एज पर्सन यूज़ करते हैं वैसे ही डिसेबल बच्चों के लिए भी, डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई जाती है ताकि वो स्टिक की हेल्प से वो आराम से वॉक कर सकें. क्रच है. क्रच एक बड़ा ही यूज़फुल डिवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे मूव करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको चलने में, हिलने डुलने में प्रॉब्लम होती है. उसके बाद हमारा जो अगला इक्विपमेंट है, अगला डिवाइस है, वो है वॉकिंग फ्रेम्स. आपने देखा होगा ऐसे फ्रेम्स जो चारों तरफ से बने होते हैं, उसके अंदर जो बच्चा है डिसेबल वो उसके अंदर खड़ा हो जाता है और उसी के सहायता से आगे बढ़ता है. उस वो चारों तरफ से बने होते हैं जिससे उसे हर तरफ से सपोर्ट मिलती रहती है. इस तरह से वो गिरने से बच जाता है और आराम से चल सकता है. उसके बाद है हमारा अगला ट्राईसाइकल. ट्राईसाइकल तीन पहिए वाली साइकिल, ये आपने देखी होगी डिसेबल्स पर्सन इसको यूज़ करते हैं. इस तरह कह सकते हैं कि वो जो सहारा उनको मिल जाता है तीन पहिए से, उससे उन्हें बार बार पैर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार कहीं अगर रुकना पड़ जाए तो वो तीन पहिए वाली साइकिल उन्हें आराम से रुकने में हेल्प करती है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती उस समय. उसके बाद बेटा हमारा जो अगला पॉइंट है वो है लेग और हैंड स्प्लिंट. ये एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जो अगर कहीं हाथ में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर वो चीज़ फिट कर दी जाती है जिससे वो अपने हाथ को, अपने पैरों को आराम से एक जगह सेट कर सकते हैं, आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा रिलीफ कुशंस. ये एक तकिए गद्दे की शेप के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. किसी को बैक की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, उठने बैठने में उसको प्रॉब्लम है, उसे सहारा लेके पीछे को बैठना पड़ता है तो ये उस समय उनको हेल्प करता है. उनके जिस शरीर के अंग में प्रॉब्लम है
उसे वो सेफ रखता है, उसे बचाता है। और नेक्स्ट है हमारा हैंड बार्स। हैंड बार भी एक ढांचे के जैसा ही होता है, जो हाथ में जो है हाथ में पकड़ के बच्चा कहीं सीढ़ियाँ चढ़नी है या कहीं खड़ा होना है तो उसका सहारा ले सकता है। ये आपने हॉस्टल में जो वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पर देखा होगा, जो स्टेयर्स के साथ साथ लगा होता है, जिससे पहन के पकड़ के बच्चे जो है उसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हैंड बार्स हैं वो भी हैंडीकैप्ड बच्चे को काफ़ी हेल्प करते हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होते हैं। थैंक यू।